अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक थे। और ये हमने दोपहर में मंगाया था पिज़्ज़ा, बस ऑर्डर किया था बाहर से। आजकल पता नहीं मौसम ही ऐसा है कि दिल नहीं करता कुछ बनाने का, तो ये हमने बाहर से ऑर्डर कर लिया था KFC से। तो ये हमने इंजॉय किया। फिर नेक्स्ट डे सुबह मेरी कज़न आ गई थी, तो आंटी ने मुझे और उसे नाश्ता बना के दिया। तो नाश्ते में यहाँ पर मैंने ब्रेड और हाफ फ्राई एग लिया। वैसे यह हाफ नहीं था, ये फुल फ्राई था। और फिर मेरी कज़न ने चाय बनाई और बिस्किट के साथ इंजॉय किया। और यहाँ पे एहसन कह के गया था कि मेरे ये ऑक्स को डेकोरेट करके रखना, आप ही लाजमी तो मैं आऊँ तो मुझे ज़रूर डेकोरेटेड ही मिले। तो ये पहले से डेकोरेट था, लेकिन मीर साहब ने इसको इसकी ये हालत कर दी थी। तो फिर मैंने कहा मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। फिर जैसे इसके ये निशान बने हुए थे, तो वैसे वैसे ही मैंने इसको डेकोरेट कर दिया। फिर नेक्स्ट डे हमारे घर लाइट नहीं थी, तो कज़न के चले गए थे, आंटी के चले गए थे। फिर वहाँ पे ये कज़न ने चाय बना के दी। और फिर जब हम वापस आए, तो फिर उनको भी कज़न्स को साथ लेके आए थे। फिर लंच टाइम था, तो मैंने सोचा चलें कुछ बना लेती हूँ हल्का फुल्का सा बस। तो फिर ये 7 स्पाइस मैक्रोनी बनाई थी, और प्याज फ्राई करके हल्के से उसमें ये कैनन्स का चिकन रखा था मेरे पास ऑलरेडी, वही ऐड कर दिया। और फिर ये मसाला डाल के इसमें मैंने जो मैंने स्टॉक बॉईल करके रखा था, बॉईल करने से निकाला था ना मैक्रोनी का, वही मैंने उसमें ऐड कर दिया था। और फिर यहाँ पर मैंने मायोनीस लिया और केचप लिया। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और जब ये मिक्स हो जाएगी अच्छी तरह से, तो फिर इसको भी मैं कुकर वाले मिक्सचर में डाल दूंगी जो मैं बना रही थी चिकन वाला मिक्सचर। अच्छा जी, तो बस यहाँ पे मिक्स हो रहा है, मिक्स मिक्स मिक्स। तो इसमें मैंने केचप थोड़ी मज़ीद ऐड की थी, क्योंकि मायोनीज का टेस्ट ज़्यादा आ रहा था, तो इसलिए फिर मैंने 1 चम्मच और केचप का ऐड कर दिया था, डाल दिया। और फिर अगेन इसको स्टीर स्टीर स्टीर। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने इसमें मैक्रोनी डाल दी, और ये सारे स्टॉक बचा हुआ फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया था। और इसका जब पानी खुश्क हो गया, तो फिर मैंने ये के सामने है, देख सकते हैं मज़ेदार सी मैक्रोनी हमारी तैयार हो चुकी है, 7 स्पाइस मैक्रोनी। तो ये मेरी कज़न्स को बहुत पसंद आई, तो वो बार बार नाम पूछ रही थी। तो फिर मैंने पहले मुझे भूल गया था, वैसे मैंने उसको बताया, लेकिन मैंने कहा अगेन मैं कंफर्म कर लूँ, तो इसलिए फिर ये मैंने पिक्चर अगेन ऐड कर दी। हुसैन, मैक्रोनी कैसी बनी हुई है? बहुत बहुत होता ही रहता है सबके घर में। अच्छा, फिर ये मैंने अपने लिए बनाया था ब्रेड, बस हर कभी कहीं खाने का दिल कर रहा है, तो फिर मैंने कहा चलो आज कुछ नया ट्राई किया जाए। तो फिर ब्रेड पे मैंने कबाब और फिर उसके ऊपर मैंने ये चीज़ वगैरह डाल दी थी। बस मैंने ये गलती की कि मेरे ब्रेड पे पहले सॉस को ही लगाना चाहिए था, या फिर केचप वगैरह। तो ये फिर वैसे मैंने केचप के साथ इंजॉय किया, बहुत ही नहीं लग रहा था, लेकिन आप अगर ट्राई करें तो ज़रूर आप पहले केचप लगा दो, फिर उसके ऊपर कबाब वगैरह और चीज़ रखेगा। फिर नेक्स्ट डे हमने अगेन दोपहर में आई थी, ये पिज़्ज़ा मंगाया था। और ऐना के अंदर से देखो टीवी को इग्नोर कीजिए, ऐना को ऊपर करें ना चलता है, बच्चे खा भी रहे थे और साथ साथ टीवी भी देख रहे थे, यही होता है बच्चों का हाल। तो यहाँ पे ऐसा नोट चाहिए आपको पिज़्ज़ा, ऐसा ना बोल रहे थे, तो उसने तो जवाब नहीं दिया, लेकिन मीर साहब कह रहे थे मीर पहले ये तो फिनिश करें। तो फिर आंटी ने बोला कि आप पहले ये फिनिश करें फिर और मिले। तो यहाँ पर हमने सोचा, आंटी कह रही थी कि इसको बना रहे हैं, हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम बनाने लगे थे, लेकिन वो सही नहीं बनाई, कि वरना मैं उसको डेकोरेट वगैरह कुछ करना था, लेकिन मम्मी कर नहीं सकी क्योंकि वो सही नहीं बना था, बच्चों ने फौरन ही उसको कर दिया था।
और फिर यहाँ पर मैं ये रोस्टेड पोटैटोज बनाने लगी थी। और आज मैंने ये प्याज नया लिया था, हमारा पुराना जो है वो ख़राब हो गया था, तो चार्जिंग नहीं हो रही थी उसकी, पता नहीं क्या इशू था। बस वैसे काफ़ी साल चला है हमारा, लेकिन फिर अब जब ख़राब हुआ तो हमने अब नया ले लिया है। तो यहाँ पे 190 डिग्री पे इसको 40 to 45 मिनट्स के लिए यहाँ पर मैंने रोस्ट किया, और फिर 7 अप स्प्राइट जो भी आप पीना चाहें उसके साथ इंजॉय करें मज़े से चाट मसाला डाल के। मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।